हेलो दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं फ़िश एंड पोल्ट्री अड्डा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग वैक्सीन की वीडियो आपके लिए आएगी, तो ये वैक्सीन की प्रोसेस चल रही है और मैं आपको बताऊंगा हम लोग जो वैक्सीन लगा रहे हैं वो 21वें दिन वैक्सीन लग रही है, ये 21 या 22वें दिन। और लसोटा, रानीखेत और न्यूकैसल डिजीज़ की ये वैक्सीन रिपीट हो रही है, 7वें दिन भी वैक्सीन लगी थी तो हम इसको अब रिपीट करा रहे हैं। 2 बार वैक्सीन लगती है, ये आप देख सकते हैं, ये वैक्सीन लगने की प्रोसेस जो है चालू होगी। आप भी अगर अपने यहाँ वैक्सीन लगवाते हैं जो न्यू फार्मर हैं, वो इस तरीके से वैक्सीन आप पहले एक सेगमेंट पूरा खाली करवा लीजिए, उसके बाद एक एक करके इनकी आई ड्रॉप लगने वाली है, इनको आई में वैक्सीन लगेगी। तो ये आप देख सकते हैं, पहले सारे बच्चों को इधर ले आए हम लोग। आज हमारे बर्ड हो चुके हैं लगभग 23 दिन के। वैसे इनको वैक्सीन 21वें दिन लगनी थी, लेकिन थोड़ा सा कुछ कमी की वजह से इनको आज वैक्सीन लग रही है। वैक्सीन लगने के बाद इनको कम से कम 3 घंटे तक कुछ नहीं देना, आपको सिर्फ और सिर्फ पानी देना है, दाना बिल्कुल नहीं देना है। वैक्सीन आप 3 तरीके से इनको दे सकते हैं, बाय इंजेक्शन, बाय पानी, पानी में भी दे सकते हैं वैक्सीन इनको, और आई ड्रॉप के द्वारा। 3 तरीके से आप इनको वैक्सीन लगा सकते हैं। ये छोटू जो सामने आ रहे हैं, ये लगभग 2-3 साल से वैक्सीन लगा रहे हैं फार्म पे, और पहले भी इन्होंने हमारे यहाँ वैक्सीन लगाई थी। आप देख सकते हैं ये हमारे बर्ड हैं, इनका एवरेज वेट वाली बॉडी जो है उसकी भी वीडियो आएगी आपके पास जल्दी ही। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे 23 दिन का बर्ड है। महिले ने गया वो, ये आप देख सकते हैं। एक बार वैक्सीन दिखा दो, आई होप आपको दोबारा साफ दिखाई दे रही होगी। ये रानीखेत डिजीज़, न्यूकैसल डिजीज़ वैक्सीन, ये 1000 डोजेज़ हैं। एक जो पैकेट आती है ये 1000 डोजेज़ के लिए आती है, और हमारे ये बर्ड हैं लगभग 2000, तो 2 ये हम लोग लेके आए हैं। आप हमेशा वैक्सीन जो लगवाएं वो सुबह के टाइम या शाम के टाइम ही लगवाएं, दिन में वैक्सीन ना लगवाएं, क्योंकि दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बर्ड को प्रॉब्लम आती है। जो भी हमारे नए पोल्ट्री फार्मर भाई हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कैसे होगा, वो रेड बटन होगा सब्सक्राइब वाला, उसको जैसे क्लिक करेंगे तो वो वाइट हो जाता है, उसके बाद बगल में एक बेल आइकन का बटन होता है उसको दबा दीजिएगा, उससे क्या है आपको डेली नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। ये आप देख सकते हैं, ये प्रोसेस चल रही है। लो, मैं पहले भी देखी होगी, तो ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से तैयारी चल रही है। ये देखिए आप इस तरीके से मिला सकते हैं, इस तरीके से आपको लगाने से पहले हिलाना है इसको अच्छी तरह से, ताकि अच्छी तरह से ये मिल जाए। पोल्ट्री से जितनी भी इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट नॉलेज हैं वो मैं सब कोशिश करता हूँ कि मैं आपके लिए लेकर आऊँ, और आप देख भी सकते हैं जितना भी मेरा बर्ड है फर्स्ट दिन से लेके और जब तक ये सेल आउट नहीं हो जाएंगे तब तक मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा। और सब्सक्राइब वगैरह बढ़वाइए दोस्तों, जल्दी से 1000 करवा दो। जब भी आप वैक्सीन लगवाएं तो इस तरीके का एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, डायरेक्टली बच्चों को ज़मीन पे ना फेंकें,
उससे बच्चा लंगड़े होने के चांसेस रहते हैं बच्चे के। देखो तो इसमें भूसी है अंदर, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से पकड़ो बर्ड को और इनकी आँख में लगा दो और छोड़ दो। ये आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से वैक्सीन लगानी है आपको। देखो इनकी आँख में वैक्सीन लग गई, अब ये छोड़ दिया, इस पे डाल दिया। आपको इस प्रोसेस से वैक्सीन लगानी है। चलो सब ज्यादा नहीं शोर बहुत मचाते हैं। दोस्तों ये आवाज बहुत ज्यादा करते हैं। बटन तभी दबाया करो जहाँ खुल जाए। Thank you.
दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो ये है प्रोसेस हमारा वैक्सीनेशन का। और अब हम लोग आने वाले समय में और भी कई सारी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट नॉलेज मैं आपके लिए लाता रहूँ। अभी जस्ट थोड़ी देर बाद इनके लिए हम लोग वेट कैलकुलेट करेंगे, इनका वेट कितना है, तो उसकी भी वीडियो आपके लिए अवेलेबल करा दी जाएगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। तो आप देख रहे थे फिश एंड पोल्ट्री अड्डा, मैं हूँ कुलदीप सिंह, थैंक यू।